हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। मैं आपको इकोनॉमिक्स का पूरा ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि UPSC ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और अक्टूबर में आपके 8 तारीख को लिम्स होने हैं और फिर जनवरी से स्टार्ट होगा आपका मेंस। तो समय काफ़ी मिला है जिसमें कि आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय के अलावा जो आपके वीकनेस है उसको आप अपने डायरी में नोट डाउन कर ले और उसके लिए आप तैयारी अपने स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और देन फिर अक्टूबर, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल 4 महीने आपके पास फिल्म्स के लिए मिले हैं। और जनरली जो है ऐसा समय कभी मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको एक सुनहरा मौका, गोल्डन चांस मिला है जिसको कि आपको देखना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं है कि बहुत ईजी गोइंग है, बिकॉज सबको वह समय मिला है। लेकिन जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी के बीच में यदि वो अपने रिवीजन को स्लो करते हैं या रिवीजन प्रॉपर नहीं करते हैं तो उनके रिजल्ट जो है वो डाउटफुल हो जाएंगे। लेकिन जो अभी पूरी तैयारी नहीं भी किए हैं तो उनके लिए बहुत ही सफिशियंट टाइम आपके पास है कि आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आज मैं इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, कुछ चैप्टर बताने जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक्स लेंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, और लालन लाल की जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग बुक्स लेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ चैप्टर भी आपसे जिक्र किया था कि आप डिमांड एंड सप्लाई, RBI के जो फंक्शंस हैं उसको आपको देखना है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन सहित तमाम तरह के जो आर्थिक शब्दावली है जहां आपको समझना होगा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड रहा है वो बिल्कुल चेंज होता रहा है। कभी UPSC के 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन भी आए हैं, कभी 25 भी आए हैं और कभी 10 भी आए हैं। तो यह ट्रेंड जो चेंज होता रहा है उसकी वजह यह रही है कि जिस साल अगर इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। बट इकोनॉमिक्स में यह भी सही है कि 80% क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स वो करेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ट्रेडिशनली कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जैसे सपोज कि नीति आयोग में कौन कौन होते हैं, क्या है पूरे फंक्शन है योजना आयोग से, नीति आयोग में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बल्कि नीति आयोग में क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या अचीवमेंट्स है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, यह क्वेश्चन मेंस के लिए आप लिख लीजिए कि यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और प्रीलिम्स में भी एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे ही होंगे, क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव पड़ा है। जब विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव पड़ा है तो इससे क्वेश्चन पूछा तो जाना ही जाना है। जैसे देखेंगे कि भारत की आबादी 137 करोड़ है, और अभी जिस तरह से लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आई है जिसके चलते लगभग 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, और यह CII का रिपोर्ट है। आपको यह भी पता है कि 137 करोड़ में से 16 साल से अधिक उम्र के 100 करोड़ लोग हैं, और यदि उसमें से 25 करोड़ लोगों की अगर रोजगार छीन गई है, इसका मतलब है कि 25% की बेरोजगारी आपकी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ गई यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स थे वो कम हो गए, सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कम हो गए, और इसको परिपूर्ति करने के लिए RBI ने, आपने देखा होगा कि हाल के समय में रेपो, रिवर्स रेपो भी कम किया, और साथ ही यह भी उन्होंने कहा RBI के गवर्नर ने कि इसको पूरा करने के लिए वर्षों लगेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह बिल्कुल अभी ही समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस साल जो प्रीलिम्स अक्टूबर में होना है उसमें इकोनॉमिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। COVID-19 से रिलेटेड किस तरह से विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है, और केवल यह प्रभाव ही नहीं पड़ा है बल्कि आप देखेंगे कि
वर्ल्ड लेवल पे इक्वेशन भी चेंज हुए हैं। सामरिक तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना को अलग थलग करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है, और अमेरिका के साथ बाकी कंट्री भी उसके साथ लगे हुए हैं जो काफ़ी प्रभावित हुए कोरोना कोविड-19 से। तो उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे प्रभाव तो पड़ेंगे ही, बाकी जो नए इक्वेशन बन रहे हैं उसमें विश्व स्तर पे क्या कुछ चेंज हो रहा है आर्थिक जगत में, वह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो प्रश्न पूछा जाता है या आपके जो कंटिन्यू जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला है, काफ़ी मोटिवेट करने वाला है, और काफ़ी अच्छे लेवल्स के आपके क्वेश्चंस मेरे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जब भी मैं किसी सब्जेक्ट को बताने जाता हूँ तो कुछ चीज़ों की चर्चा करता हूँ, साथ ही आपकी बुक्स की चर्चा करता हूँ और फिर चैप्टर की चर्चा करता हूँ कि किस किस चैप्टर को आपको फोकस करके देखना होगा, पढ़ना होगा। तो आज हम इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में पहले ही मैंने बताया कि 80% प्रश्न जो है वो करेंट बेस्ड होता है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू आप बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो आप नेट के माध्यम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम RBI के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि RBI के इर्द गिर्द ही सभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और मौद्रिक नीति के चलते किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और न केवल यह भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है बल्कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी सीधा सीधा प्रभावित करता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ टर्म को आप जब समझ जाएंगे तभी आप इकोनॉमी को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिल्कुल एक भले तो वो आर्ट सब्जेक्ट है लेकिन साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जिसको कि एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि RBI के बारे में आप लोगों को बताएंगे। RBI एक्ट 1934 में एक्ट बनी थी, उसके बाद 1935 में RBI की स्थापना की गई, जो कि 5 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में यह जो है इसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पर्सन्स नहीं थे बल्कि गैर सरकारी लोगों के उसमें शेयर्स थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1949 में इसको फिर राष्ट्रीयकरण किया गया, और बाद में यह भारत सरकार के बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक कहा गया। फिर मौद्रिक नीति को प्रभावित ये मौद्रिक नीति जारी करना शुरू की। बैंक ने समय समय पे जब भी हो, क्वार्टरली हो या जब ज़रूरत हो, मार्केट में जब लिक्विडिटी घटानी हो या बढ़ानी हो तो उनके पास जो टूल्स हैं जिसके माध्यम से वो उसको करते हैं, उसकी भी चर्चा हम आपको आगे करेंगे। पहले मैं एक आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा, जो चार्ट मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि RBI को कैसे हमने दिखाया है। और यह न केवल आपको बताने के लिए है बल्कि यह है कि आप इससे समझ पाएंगे, आप इस तरह से बना सकते हैं दूसरे भी फंक्शंस जो होंगे। आप देखिए रोल ऑफ RBI, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। पहला उसका रोल है बैंकर बैंक, इशू ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकर टू गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, देखिए आपको यह पता है कि RBI जो विदेशी करेंसी है उसको समय समय पर खरीदती भी है और बेचती भी है। जब भी उसको लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है तो वहाँ से वो विदेशी करेंसी को परचेज करती है और अपने पास रिजर्व रखती है, और जब वो लगता है कि मार्केट में उसको बढ़ाना है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके 6 जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसको कि मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताए हैं, उसी तरीके से आप दूसरे भी जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं या इकोनॉमिक्स के चैप्टर हो, इस तरह से आप बनाएंगे और अपने स्टडी रूम में इसको लगाएंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो जस्ट आपके आपको बस समझाने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाए थे, जिससे कि आप अपनी स्टडी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और याद करने का जो तरीका है वो एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी याद को और भी दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है। बट RBI के
जो फंक्शंस हैं जिसको मैं पहले एक एक करके आपको बताऊंगा कि आरबीआई में क्या क्या टर्म्स आते हैं, उसको भी मैंने एक पेपर पे रखा है जिसको कि बाद में आपको बताऊंगा, तो वहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि रेपो रेट जो होता है, पहले हम वहीं से बात करते हैं। रेपो रेट जो है वो जो अपनी सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, वो बैंकों को लोन देती है, उसको रेपो रेट कहते हैं। और यह जो है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, जस्ट उसका उल्टा, जैसा कि नाम है रिवर्स, यानी कि जब भी रिवर्स रेपो रेट का यूज आरबीआई तब करती है जब देखती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में है, पैसे ज़्यादा है और महंगाई बढ़ रही है, तो उस स्थिति में रिजर्व बैंक जो है वो अपनी मौद्रिक नीति जारी करती है और रिवर्स रेपो को रेट को बढ़ा देती है। तो जो भी बैंक है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चलते अपने जो उनके पास क्रेडिट होते हैं, उनके पास जो पैसे होते हैं, उसको आरबीआई के पास रखता है ताकि कम से कम ये सर्टेन जो उनको मिलना है रिवर्स रेपो रेट से वो पैसा उसको मिल सके। लेकिन यह भी देखा जाता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हमेशा जो है 1% का डिफरेंस होता है, यानी कि जब आरबीआई लेती है तो 1% कम पे लेती है, और जब देती है कमर्शियल बैंकों को, शेड्यूल बैंकों को, तो वो 1% ज़्यादा पे देती है, यानी कि हमेशा 1% कम रहेगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बट ये कभी हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो रेपो रेट जो है वो 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, तो 1% का डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो हर बैंक जो है वो आरबीआई हो या कमर्शियल बैंक हो, या वो हमेशा जो है जब तक ज़्यादा रेट नहीं रखेगी तब तक वो कमा नहीं पाएगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर आरबीआई ने उसको 4% पे दिया है लोन, तो क्या वो कस्टमर को 4% पे ऑफ़र करेगी बैंक? नहीं, बैंक जो है जब भी ऑफ़र करेगी 6, 6.5, 7, 8, 9% पे ऑफ़र करेगी। उसके पीछे वजह यह है कि बैंक को अपने जो स्टाफ्स हैं उसको भी अपना जो है इनकम है, सभी मशीनरी जो है उस पर खर्च करना पड़ता है, फिर प्रॉफिट लेना पड़ता है। तो ऑलवेज जो है बैंक भी एक तरह से कहीं कहा जाए जिस तरह से बनिया कह सकते हैं कि वो कम में लेता है ज़्यादा में देता है, तो ये बनियागिरी टाइप से पूरी चीज़ें है। तो अगर मान लेते हैं कि आरबीआई अपना रेपो रेट को कम कर दिया, 4% अभी मान लेता है 3% कर दिया, तो क्या होगा? तब क्या होगा कि बैंक जो है वो आरबीआई से 3.5% पे ही ले रही है लोन, तो वैसे ही कस्टमर से वह जो है सो तुरंत अपना कम कर देगी, जो सपोज डैट कि हाउसिंग लोन है या फिर व्हीकल लोन है या पर्सनल लोन है, जो भी लोन वह देती है उस लोन में तुरंत वह कम कर देगी। कम कर देगी तो क्या होगा कि पब्लिक यानी हम लोग जल्दी से चाहेंगे कि बैंक से लोन ले लें, तो लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि बैंक रेट जो है, बैंकों का बैंक मतलब ये मैं बैंक रेट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक रेट एक और होती है जो आरबीआई बैंकों को देती है लॉन्ग टर्म लोन, वो अलग है, बैंक रेट उसको कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म लोन देती है वो बैंक रेट वो अलग होती है, तो वो बैंक रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमें कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक हमें जो लोन देती है, कस्टमर को लोन देती है, वो डिपेंड करता है कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसी बनाई है, जो मौद्रिक नीति उन्होंने घोषणा की है, उसमें क्या रेट रखा गया है। अच्छा, आप देखेंगे कि अभी आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में रेपो रेट को कम किया था, उसकी रीज़न यह थी कि मार्केट में जो है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा था इंडिया, तो वैसे में उन्होंने सोचा कि अगर कम रेट करेंगे तो बैंक अपना रेट कम करेगी। और देखेंगे कि हाउसिंग लोन जो है बैंकों ने 6.85 से लेके 7.5 तक, सभी बैंक की अलग अलग हाउसिंग लोन का जो ब्याज दर है वो घटा, यानी कि जहां 9% पे मिल रहा था अभी 7% के प्लस माइनस में ही अभी आपको हाउसिंग लोन मिला है, व्हीकल लोन को इसी तरह से घटाया गया है। यानी कि आरबीआई का प्रयास था कि मार्केट में रुपया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, यानी इन्फ्लेशन जो है बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा पहुँचे, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े, तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन जैसे ही लगेगा कि नहीं अभी जो है डिमांड बढ़ गया है, सभी जो मशीनरी है सही जगह काम कर रही है, डिमांड की सप्लाई भी प्रॉपर हो रही है,
जितने भी कारखाने हैं, कल कारखाने या सर्विस सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर, सभी जगह से उस डिमांड की पूर्ति हो रही है, महंगाई बढ़ गई है। वैसे में फिर से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बैंक बढ़ा देगी, तो फिर सभी बैंक अपने जो उनके पास जो मनी है उसको वहाँ पे फिर जमा करेंगे। इसके साथ ये दो ही टूल्स नहीं है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास और भी टूल्स है, जैसे कि आप सीआरआर पढ़ा होगा आपने, कैश रिजर्व रेशियो, उसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है कैश के रूप में बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जैसे कभी 4% होता है, कभी 5 या कभी उससे कम हो सकता है, तो ये आपको वहाँ रखना पड़ता है। अगर उसको कम किया जाएगा 3% कर दो 4 की जगह, 1% सीधे सीधे जो है सो फिर से बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो फिर वो ऑफर करेगा कस्टमर को कम करके, बढ़ा देगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो फिर से वो अपने रेट जो है कस्टमर के लिए जो रेट डिसाइड करेगा वो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को फिर से वो बढ़ा देगा, तो लोगों के पास से फिर पैसे कम हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से साइंटिफिक अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ईजी और आसान होगा इसको समझना। उसी तरह से SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट जो है, आप उसमें देखेंगे कि एक सर्टेन जो रेट डिसाइड आरबीआई करती है वह कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉन्ड्स में हो सकता है, इस तरह से उसको जमा करना होता है। और यह 0 से लेकर 40% तक होता है SLR। SLR द्वारा भी SLR से यह होता है कि SLR जितना डिसाइड किया, बैंकों के पास जितने भी उसके पास एसेट्स हैं उस एसेट्स का उतना परसेंट रखना पड़ता है, तब उसको लोन देना पड़ता है, ताकि आने वाले समय में यदि बैंक करप्ट हो तो उस जो हमारा SLR है या CRR है उससे पूर्ति की जाती है। SLR को अगर बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कि हमने 1,000 रुपया बैंक को दिया और SLR अगर बढ़ा दिया गया, SLR मान ली 20% है, तो 1,000 का 20% मतलब 200 रुपया, तो 200 रुपया उसको रखना पड़ेगा बॉन्ड्स के रूप में, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, जो भी हो, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो परिसंपत्तियां होती है उसके रूप में उसको रखना पड़ता है। अगर उसको रख देता है तो यानी कि उसके पास 1,000 में से 200 गए, 800 रुपया ही बचता है, 800 रुपया ही लोन दे सकता है। कहीं ना कहीं यह जो SLR है वो भी एक टूल्स है जिसके द्वारा मार्केट के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया जाता है या बढ़ाया जाता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन में एक टूल्स के रूप में काम करता है। और SLR जो है वो 0 से लेकर 40% तक बढ़ाया जा सकता है, और जब कई बार ऐसा हुआ कि 40% बढ़ाया भी गया है, वर्तमान में देखेंगे तो 20 के आसपास रहता है, लेकिन बैंक हमेशा जो है SLR को 26-27, यानी कि ये अच्छी बात है भारत के लिए कि बैंक हमेशा SLR को मेंटेन करती है, जितना SLR डिसाइड होता है उससे कहीं ज़्यादा रखती है बैंक अपने पास रिजर्व के पास रिजर्व रखती है और उसके पास रखती है। तो एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के द्वारा आपको हम रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR आपको बताएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको हमने बनाया है। और आपको समझाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे रेपो रेट, जिसको कि मैंने आपको क्लियर कट समझाया था, इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू बैंक्स। और बहुत ही अच्छे ड्राइंग के द्वारा बताया गया है कि RBI एक तीर का चिन्ह देख रहे हैं जो कि बैंक को तरफ जाएगी, लेंड्स मनी, यानी RBI बैंक को जो देती है वो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाता है। बहुत ही सिंपल है और इसमें शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि मैंने बताया था, उल्टा है। जब भी मार्केट से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना होता है तो RBI अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है, बैंक अपनी जो उनके पास जो एसेट्स है उसको देती है RBI को, बोरो करता है RBI। ये भी शॉर्ट टर्म होता है। अब जैसा कि मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो बताया था, CRR बिल्कुल जो एक सर्टेन रेट होता है, अभी 4% के आसपास है, जो कि बैंक अपने RBI के पास रखती है और ये बिल्कुल कैश के रूप में रहता है। SLR के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं, जो कि 0 से लेकर 40% तक होता है और यह बिल्कुल गोल्ड के रूप में या फिर बॉन्ड्स के रूप में, ये सरकारी परिसंपत्तियाँ होती है उसके रूप में वहाँ पर जमा किया जाता है। एक नए टर्म्स जो है 2011-12 में ये लाया गया था,
बैंक रेट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक, ये होता है लॉन्ग टर्म। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट में सर मतलब इतना होता है कि रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है बैंक रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछने की संभावना MSF होती है, स्पेशल विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम RBI। इसके बारे में आपको बताऊं कि यह ओवरनाइट यानी एक दिन के लिए बैंक जो है जितने भी रेपो रेट होते हैं उसमें +1% यानी कि 4% आज रेपो रेट है तो 1% यानी 5% पे ओवरनाइट बैंक जो है RBI से पैसे ले सकता है। और यह इसकी वजह यह होती है कि कई बार बैंकों को लिक्विडिटी की कमी हो जाती है तो एक दिन के लिए ओवरनाइट बैंक जो है यह लेती है, यह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF कहते हैं। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। एंड कॉल रेट जो है इंटर बैंक बोरिंग रेट को कहते हैं जो एक दूसरे को बैंक लेती है। तो इसको भी आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। इस तरह से अगर आप ड्राइंग बनाकर अपने स्टडी रूम में दीवार पे चिपका के रखेंगे तो कुछ भी याद करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बोलते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कौन से बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं विजन 365, जिसमें कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं के लिए अलग से एक बुकलेट आया है, उसी तरह से विजन के लिए आप एक बजट और आर्थिक जो नीतियां आई है विजन 365 को उसको देख। ये दो के अलावे मैं कुछ चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ लाल एंड लाल, क्योंकि हिंदी मीडियम के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम लोग जो हिंदी से हैं, ट्राई करूँगा कि मैं उसको इंग्लिश में ही बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इंग्लिश के हिंदी के जो चैप्टर लाल एंड लाल के हैं उसमें आप देखिए कि पहला चैप्टर में इंट्रोडक्टरी है, चूँकि मैंने जो बताया है उसमें आपको ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अध्याय दो में आप देखेंगे कि इसमें निवेश का दिखाया गया है, निवेश मॉडल वगैरह है, तो आप लोग पहले से ही FFI और FDI वगैरह पढ़ चुके होंगे तो इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अध्याय तीन जनसंख्या तथा नगरीकरण की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि माल्थस का सिद्धांत, अकुलतम और जनसंख्यिकी वगैरह है, तो वो केवल 2-3 चैप्टर है ऊपर का सब चैप्टर, उसको आप इसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चैप्टर आपको इसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं होगी। जैसे भारत में आर्थिक नियोजन अध्याय 5 है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप देखेंगे अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 जो है नीति आयोग, आप इसको पढ़िए क्योंकि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है। 7 चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर देना है, जबकि 8 चैप्टर जिसमें कि गरीबी, भुखमरी, कुपोषण तथा आय विषमता यानी कि पॉवर्टी से लेकर इसमें आपको जो भी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट सहित वगैरह वगैरह उसको आपको पढ़ना है। इसमें कि लॉरेंज वक्र है, गिनी गुणांक है, तेंदुलकर रंगराजन कमेटी में तुलना करनी है वो है, ये सारी चीज़ें मैं जब यह वीडियो अपलोड हो जाएगा एडिट करके यह सारे पेज जो है आपको अलग से एडिट करके वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप उसको फॉलो करिएगा तो जो चैप्टर में बता रहा हूँ आपको इजी होगा वहाँ से समझना। उसी तरह से आप चैप्टर नंबर 9 है जिसमें कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी आप समझ गए, मैं अभी आपको बताया कि किस तरह से कोरोना के चलते 25% बेरोजगारी बढ़ी है, 25 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हुए, उनके रोजगार छूट गए हैं। तो इसमें देखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी, स्वच्छंद बेरोजगारी, बहुत तरह की बेरोजगारी होती है, जैसे किसान को देखेंगे मौसमी बेरोजगारी में होते, एक समय करते हैं बाकी समय बैठे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस ये 2 चीज़ें आपको इसमें से देख लेनी है। उसी तरह से आप देखेंगे कि अध्याय नंबर 10 है जिसमें कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में दिया गया है, योजनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उससे काम के बदले अनाज है, मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा, उससे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति है, अटल पेंशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये सब योजनाओं के बारे में आपको देखना होगा। तो सरकारी योजनाओं के बारे में विजन का भी 365 हैंडबुक निकली है, उसको आप देखिए, क्लासरूम नोट्स है वो, PDF के रूप में आपके सामने आई है, तो वहाँ से अपनी तैयारी को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। NRHM को देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन आप जान रहे हैं, लगभग हम लोग पूरा उसके तरफ पहुँच चुके हैं, निर्भया फंड बनाया गया है, ICDS, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जैसा कि आप देख रहे हैं
बेटियों को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक बैच लगाए हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि 11 नंबर जो चैप्टर है कृषि ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक विकास में कृषि का योगदान, तो उसमें मैं जमींदारी महलवारी रैतवारी तीन व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तीनों व्यवस्था आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो ये यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। नरसिंहम कमेटी, नाबार्ड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नाबार्ड बिल्कुल आप इसको देख लीजिएगा। नाफेड, एनसीडी, ये सब थोड़ा थोड़ा चैप्टर जो है कुछ कुछ पढ़ना है आपको। बाकी जो है जितने चैप्टर है उसको आप एस्केप कर सकते हैं, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे मैं आपको आऊँगा जलवायु परिवर्तन, न केवल इकोनॉमिक्स में बल्कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी यह चैप्टर होता है, क्लाइमेट चेंज। तो 50 नंबर चैप्टर है जहाँ की आपको क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कॉप, पेरिस सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब आपने पढ़ा होगा पॉल्यूशन में। तो ये आपको चैप्टर नंबर 15 में है, जो कि आप इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपको देखेंगे सब्सिडी, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये घाटा के बारे में तीन तरह का जो घाटा है उसको आप पढ़ेंगे, प्राथमिक घाटा चार। तो उसको जब प्लस माइनस करके पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे तभी आप घाटा के बारे में समझ पाएंगे। तो ये आपका 15 नंबर चैप्टर में है। 15 चैप्टर से जब आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसा 16 छोड़ सकते हैं, 17 में केवल आपको इस किताब में दिया हुआ है 14th फाइनेंस कमीशन। तो आप अभी चूंकि 15 चल रहा है इसलिए 15वां वित्त आयोग आपको देखना है 17 नंबर चैप्टर में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, 19 नंबर चैप्टर में आपको बाजार तथा पूंजी बाजार के बारे में आपको पढ़ना है। देन फिर हम अब इसमें देखते हैं कि आपको बैंकर, फिर RBI का जो मैं अभी आपको बता रहा था, RBI का पूरा डिटेलिंग है इसमें, CRR से लेके SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, जो कि मैंने बता दिया है एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के द्वारा। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आप अभी समझ गए हैं तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब इसी पे डिपेंड होता है। तो फिर आप 19, 20 सब ये सब चैप्टर को एस्केप करते हुए जा सकते हैं। और फिर लास्ट में कुछ शब्दावली दी गई है, उसको आप देख लेंगे। बाकी आपके जितने भी चैप्टर हैं 27, 28, ये चैप्टर को छोड़िएगा। राजकोषीय चालू घाटा पहले ही मैंने बता दिया है। तो बस इतने जो है 7 से 8 चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए 10 से 12 दिन काफ़ी हुआ है, बट करेंट के साथ उसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बुक्स होती है अपडेट होती है, लेकिन साल में 2 से 3 बार हमेशा जो है डाटा चेंज होता है। कोई भी बुक आपको अप टू डेट नहीं रख सकता है, इसीलिए आपको ज़रूरी है कि करेंट के जो मैगजीन्स हैं, करेंट के जो हैंडबुक है उससे पढ़िए, और इस बुक में जहाँ भी डाटा चेंज करना हो उसी जगह डाटा आप चेंज कर दिया करिए। तो हो सकता है एक बार आपने डाटा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को 4% रेपो रेट को किया, फिर से घटा बढ़ाना होगा, 4.5 हो जाएगा, फिर 5, आप काटते जाइए, जितना बार काटेंगे उससे आपको याद भी होगा कितना बार चेंज होता रहा। जब चेंज वाली चीज़ों को मेंस में आप जब ड्राइंग के द्वारा बताएंगे कि इस समय इतना था, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। रेपो रिवर्स रेपो जिसमें भी रेट में चेंजिंग हो रहा है, बेरोजगारी दर में कमी बेसी जो हो रही है वो देख सकते हैं, गरीबी में कैसे देख सकते हैं, या गरीबी का जो कारण है उसको एक डायग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया था RBI के फंक्शंस में, उसकी उस तरह से आप बना सकते हैं, उसका समाधान में बना सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम द्वारा अपने आंसर शीट को कलरफुल करेंगे, जितना ज़्यादा पुट करेंगे, उतने अधिक मार्क्स आपको मिलेंगे। और मेंस का सीधा सा फंडा है कि दूसरे एवरेज स्टूडेंट से आपको हर क्वेश्चन पे 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तो ऑटोमेटिक जो है दूसरे से आपके 150 से 200 अधिक मार्क्स आपको मिल जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो जल्दी से बता देता हूँ कि आप लाल एंड लाल हिंदी मीडियम के लिए, रमेश सिंह इंग्लिश मीडियम के लिए, 365 विजन की सरकारी योजनाएँ इंग्लिश में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स उसको देख लीजिए, मौद्रिक नीति मोटरनी पॉलिसी जो है वो देख लीजिए। तो इसको आप वहाँ से पूरी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी इकोनॉमिक्स की जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जाएगी और अपनी तैयारी को आप सही वे में ले जा पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि इतनी मोटी मोटी किताब को देख के निश्चित रूप से आप घबरा जाते हैं, मोटी किताबें होती है, लेकिन लाल एंड लाल की हो चाहे रमेश सिंह की हो, बहुत मोटी किताब है, बट उसमें से पढ़ना केवल 10% ही है, और
उसमें पढ़ना सिर्फ यह है आपके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो करेंट का जो इकोनॉमिक्स है वो समझेंगे, और जब करेंट का इकोनॉमिक्स समझने लगेंगे क्वेश्चंस वहीं से आना है। कभी भी यह मत समझिए कि ट्रेडिशनली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेडिशनल को समझेंगे, आर्थिक शब्दावली को समझेंगे तो आपका करेंट क्लियर हो जाएगा, जब करेंट क्लियर हो जाएगा तो आपका इकोनॉमिक्स का जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। कभी भी इकोनॉमिक्स को रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। बिल्कुल जो है गणित की तरह है, साइंस की तरह है, जहाँ से आप एक चीज़ से दूसरे चीज़ जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व किया जा सकता है लिक्विडिटी को, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, बैंक वहाँ पहुँचा देती है। लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो रेपो रेट को, अभी अभी आपने देखा है कि RBI के गवर्नर ने रेपो रेट को 4% कर दिया है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है। तो ये रेपो रेट को कितना डाउन करके लाया गया, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना है मार्केट में। जैसे ही मार्केट में बढ़ जाएगी लिक्विडिटी, देन फिर जो है सरकार फिर से रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ पर सब चीज़ का प्रभाव पड़ता जाता है। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो हमारे जो रुपया है वो डॉलर के तुलना में कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, कमज़ोर और मजबूत को भी समझा देता हूँ। कमज़ोर का मतलब है कि अभी अगर $1 अमेरिकी डॉलर 80 रुपये का है मान लेते हैं, और कमज़ोर होगी तो वो 82 रुपया 85 रुपया में हमको $1 लेना पड़ेगा, इसी को कमज़ोर होना पड़ता है। हालांकि रुपया बढ़ता है लेकिन रियल सेंस में कमज़ोर होता है। तो जैसे इन्फ्लेशन होगा तो रियल सेंस में जब आपका रुपया कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले, डॉलर मजबूत होगा तो क्या होगा, इम्पोर्ट से लोग इम्पोर्ट करना बंद करेंगे, इम्पोर्ट कम होने लगेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ से ज़्यादा जो विनिर्माण हो रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, मैन्युफैक्चर जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। और ये ट्रेड बैलेंस के लिए भी, व्यापार संतुलन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो वैल्यू है, रुपये का वैल्यू है, वो ट्रेड में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, तभी व्यापार संतुलन कहा जाता है, तभी हमें जो है सब फ़ायदा होगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो कई बार मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता इकोनॉमिक्स टर्म में, लेकिन इन्फ्लेशन को सरकार जानबूझ के ही बढ़ाती है, अभी ये बढ़ाती है ताकि डिमांड बढ़े, फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बने, डिमांड बढ़े तो सामान बढ़े, सामान बढ़ेगा तो फिर जो है उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमको डॉलर मिलेगा, और जो इम्पोर्ट करने से हमें क्या होगा कि डॉलर, हमें पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अगर $2 का सामान मंगाते हैं तो 85 रुपया हो जाता है, तो हमसे 170 रुपया, हमको 8 × 16 170 रुपया हमको पे करना पड़ेगा, और अगर उसी 80 रुपया ही रहता है तो 160 ही हमको देना पड़ेगा। तो आप सीधा मुझे लगता है समझ गए होंगे कि केवल RBI के जो टूल्स हैं उसका यूज करके इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट सारा कुछ प्रभावित होता है, पूरी इकोनॉमी। और RBI के उस इतना ही नहीं होता है, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा शेयर बाजार भी ऑन द मूव गिर जाता है, एकाएक चढ़ जाता है, सेंसेक्स इतना ऊंचा चला जाता है। उसका रीजन यही होता है कि जैसे ही जिस कंपनी में किसी ने निवेश किया होता है, जैसे बाजार अच्छा होने की पोजीशन होती है तो शेयर बाजार चढ़ जाता है, और जब खराब होने की पोजीशन आती है शेयर बाजार डाउन होने लगता है। तो RBI के जो मौद्रिक नीति है उससे पूरा का पूरा आपका जो शेयर बाजार है वो भी प्रभावित होता है। तो एक सिंपल सा, अगर आप RBI के सारे फंक्शंस को समझेंगे तब मुझे लगता है आप इकोनॉमिक्स को समझने लगेंगे। उसको देखिए, जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स आए हैं उसको देखिए, स्टार्टअप इंडिया से लेके जितने भी स्कीम वेलफेयर के स्कीम्स आए हैं उसको आप देख लीजिए, क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। और दूसरा है कि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ही कूल होके और साइंटिफिक ढंग से उसको समझ के सोल्व करेंगे तो ज़्यादा सुलभ होगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको बाद के सेशन में एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चंस को कैसे कूल रहना है, अधिक क्वेश्चन कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इन तमाम बिंदुओं पे हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि सैटरडे संडे मैं यूट्यूब से जुड़ता हूँ, तो आज सैटरडे है, कल संडे फिर 3 बजे हम आएंगे दूसरे सब्जेक्ट को लेके। इसका नोटिफिकेशन आपको शाम तक मिल जाएगा, इवनिंग तक, कि कौन से सब्जेक्ट पर हम आएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं वो सब टीचर्स को लेके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि नियोजन को लेके। तो बहुत जल्दी हम उनको केवल यह आंसर करेंगे कि बहुत जल्दी हम नियोजन को लेके आपको 2-3 दिन में
कुछ शेड्यूल देंगे और आप इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि ऑफिस बंद है। और जो भी आपके हैं कैंप बहाली से लेकर उसको भी देखेंगे, दिसंबर अलाउ करें ना करें, तमाम बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी और आपको डिटेल्स हम बनाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो लाइव क्लासेज मैं करवा रहा हूँ केवल आप ही से लाभान्वित नहीं हो, अपने फ्रेंड सर्किल को भी बताइए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे लिंक को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचा पाऊँगा और जो ट्रिक्स है वो बता पाऊँगा, तो पीटी जो है वो क्लियर करना आसान होगा। और जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएंगे तो कल को आपको भी खुशी होगी कि आप, क्योंकि जो सीट है यूपीएससी का वो तो भरना है, और यदि मेरे और आपके फ्रेंड्स के द्वारा भरे जाएंगे सीट तो आपको ज़्यादा खुशी होगी कि हम भी सेलेक्ट हों, मेरे फ्रेंड्स भी सेलेक्ट हों, क्योंकि ये हम नहीं समझते हैं कि मेरा हो और फ्रेंड्स का नहीं हो। तो इसीलिए सभी जो मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा केवल यह एक आग्रह है कि आप अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को तवज्जो दे, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो, क्योंकि यह ट्रिक जो है मैं बता रहा हूँ, बहुत समय निकाल के बताता हूँ। ज़्यादा कहने के लिए आप, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए भी हैं, लाइक भी किया है, और क्वेश्चन जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का कौन सा था, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी थे, और सब्जेक्ट के बारे में भी जो है आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, उस सब्जेक्ट के लेकर भी अलग से हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, उसको लेकर हम सेशन करेंगे। कल किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट।